इत्तासिकामादि तरंग मध्ये कृपा मैत्वम शरणं प्रपर्णा वृंद नमस्ते चरणारविंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाई करी चरण वंदन जाहा हित विघ्ननाथ अभीष्ट पुरण तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम जयं प्रभजन्त मनुपीतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजु भाव पुत्रीति तन्मयतया तरवो विनेतुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सबर हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 बोलो और एक बार जोर से बोलो गुरुपाद पद्मा नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्मा नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दे दिया। इसका मतलब है कली युग में केवल चार नियम को पालन करें और थोड़ी सी ठाकुर जी के हरिनाम कर ले, बस हमारी बिड़ा पार हो जाएगी। इसलिए हमें किसी तरह का जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ में झूठ का निवास है। किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नस्ली वस्तु ग्रहण करने से फिर हम तपस्या नहीं कर सकते हैं। जो तीसरा नंबर है, अवैध रूप में स्त्री पुरुष पुरुष स्त्रियों की संग नहीं करनी चाहिए, उसको करने से पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो चौथा चीज है, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जब श्री परीक्षित महाराज कली को ये चार जगह पर स्थान दे दी, कली तभी खुश हुई। बोले कहाँ कहाँ ढूंढते रहूं, कौन जुआ खेलता है, हैं? कौन शराब पी रहा है, कौन मांस मछली खा रहा है, मैं कहाँ ढूंढूं? मेरे को ऐसे एक जगह पर स्थान दो जहां पर हमें सारी चीज मिल जाएगी। फिर उन्होंने सुवर्ण में पैसा में स्थान दे दिया। यहाँ प्रश्न है, कभी जो पैसा सुवर्ण है कभी लक्ष्मी है। अब मूल लक्ष्मी कौन है? बोले श्री राधा रानी। फिर राधा रानी में ये कलिक निवास कैसे आ गया? हाँ, कहते हैं जो पैसा ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगता है वहीं पर कलिक निवास है। इसलिए लक्ष्मी की वाहन कौन है? लक्ष्मी की वाहन कौन है? उल्लू है। मतलब जब घर में पैसा आती है वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आती है और हम सब उल्लू बनाती है। लेकिन लक्ष्मी की दूसरी वाहन है करुण। लेकिन अगर हम माँ लक्ष्मी को घर में अकेले बुलाए, माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? बोले आपका हम भोग करेंगे, ठाकुर को सेवा के लिए नहीं, अपना खाना पीने के लिए, घर मकान बनाने के लिए।
पेड़ लक्ष्मी और उल्लू के ऊपर बैठ कर आएगी। फिर जितने अपशकुन जितने अमंगल को लेकर के आएगी, अगर पैसा को बुलाए लक्ष्मी को बुलाए, बोले क्यों, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए। फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी, फिर हमारे घर को वो वैकुंठपुरी बना देगी। इसलिए खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा हम किस लिए कमा रहे हैं ये हमारी लक्ष्य होनी चाहिए। इसलिए पैसा को इसलिए हम कमा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, बस। फिर लक्ष्मी गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। इसलिए घर में हर चीज को ठाकुर जी की सेवा में हमें लगानी चाहिए। एक दिन श्री सुखदेव परीक्षित महाराज जब जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, आज इतने तेजी से उनको प्यास लग रहा था, कभी जिंदगी में लगा ही नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वो ऋषि सचमुच से भजन कर रहे थे, बड़े जोर जोर से चिल्लाए, पानी पानी पानी, लेकिन वो भजन में बैठ गए। वो ऐसे तैसे संत थे ही नहीं, पानी नहीं दिया तो परीक्षित महाराज ने देखा पास में एक मरा हुआ सर्प बड़ा हुआ था, उन्होंने उनके गल में डाल दी। बोले देश का राजा मैं हूं और आपका घर में आया तो थोड़ा पानी तक भी नहीं पिला सके आपने, आपका ये उपहार है। अभी जब उसकी बच्चे को ये बात पता चला, श्रृंगी ऋषि को, उन्होंने उठाया, उन्होंने कौशिक नदी का पानी उठा करके उन्होंने मंत्र पूत करके उन्होंने अभिशाप दे दिया। बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। इतने में ऋषि की आंख खुल गई। बोले बेटा क्या बात है? बोले पिताजी ऐसे ऐसे बात है। तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं, अभी तक परीक्षित महाराज ने इतने जोर से चिल्ला चिल्ला करके गए, पानी 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 करते करते, और उनका आंख ही नहीं खुली, और थोड़ा बेटा रो लिया तो आंख खुल गई। इसका क्या मतलब, ये बेटा था वो कोई दूसरा था? बोले नहीं, इसका दो कारण बताए। पहला कारण है, पहले जब ऋषि लोग भजन में बैठते थे, ऐसे भजन में नहीं, जब उनको ध्यान लगे महीना महीना तक उनका आंख नहीं खुलती थी, सचमुच से प्रभु की चिंतन में डूब जाते थे। अभी ये परीक्षित महाराज को उपलक्ष्य करके अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकाश होगा, इसलिए जोग माया ने देखा अगर ये ऋषि भजन में बैठ गए, अभी परीक्षित महाराज को खबर कौन पहुंचाएगा? परीक्षित महाराज संपूर्ण राज्य पाठ को छोड़ करके भजन करने के लिए जाएंगे, कथा सुनने के लिए जाएंगे। वहां पर 88,000 ऋषियों का गमन वहां पर होगा, और वहां पर 88,000 ऋषि लोग आएंगे। अभी श्रीमद् भागवत कथा होगी, अभी ये सारे चीज होने वाले हैं। अगर ये ऐसे बैठे गए तो काम ही नहीं होगा। इसलिए जोग माया ने किया कि उनके नेत्र को उन्होंने खोल दिया। ये पहला कारण है कि दूसरा कारण क्या है इनके आंख खुलने का? बोले दूसरा कारण बताए कि ये परीक्षित महाराज को यद्यपि देखने के लिए लगता था ये एक गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी वो बहुत बड़े संत थे। केवल ऐसे नहीं जो केवल संसार को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं भजन के लिए वही साधु, बोले ऐसे बात नहीं, घर में रहते हुए भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के ज्यादा भक्त गृहस्थ में थे, बहुत कम भक्त जो त्यागी थे, ज्यादा भक्त उनको गृहस्थ में थे। इसलिए चैतन्य भागवत में बताया, गृही हो त्यागी हो भक्त भेद नहीं। अगर एक व्यक्ति घर में रह करके सारे नियम को पालना करता है, प्रभु की भक्ति रस में डूबे हुए हो, लेकिन एक केवल साधु का केवल ड्रेस पहना हुआ, लेकिन भजन भजन से कोई मतलब नहीं, तो बड़े कौन है जो घर में रहकर भजन करता है। इसलिए भागवत में आप जितने कथा सुनोगे ना, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, ध्रुव महाराज, वो कहां पर थे? घर में थे ना, घर में तो थे, वो त्यागी साधु नहीं, लेकिन घर में रहते हुए भी भगवान की भजन करते थे, भगवान की वो भक्ति करते भगवान की। इसलिए जो जहां पर रह करके जितने भक्ति करता है वो उतना बड़ा संत है, उतना बड़ा वो साधु है। यद्यपि दिखता था परीक्षित महाराज गृहस्थ है, लेकिन किसकी बेटा है? बोले अभिमन्यु का बेटा है, भगवान कृष्ण की गोद में जिन्होंने स्वयं खेले, ठाकुर जी जिनको गोद में बैठा है,
और इन्हें इतने बड़े कृष्ण भक्त जिन्होंने कली को निग्रह किया, कली को उन्होंने दंड दिया, उन्होंने कली को, इसलिए वो साधारण नहीं। इसलिए शास्त्र में बताया, अगर आपको घर में कोई साधु आ जाए, कोई अतिथि आए, अगर वहां से विमुख होकर के चले जाए, फिर उनके चरणों में अपराध हो जाता है। ये परीक्षित महाराज भक्त थे और इन्होंने पानी मांगे, उन्होंने पानी नहीं दिया, नहीं दिया तो इनकी अपराध हो गई परीक्षित महाराज के चरण में। अगर भक्ति करते करते अगर किसी साधु की चरण में अपराध हो जाए, फिर भक्ति से तुमको गिरना पड़ेगा। इसलिए इनकी योग माया ने, इनके जो ध्यान में बैठे हुए थे, इनकी ध्यान टूट गई और देखा सामने बच्चे को रोते हुए, बोले लाला कहाँ गए हो? बोले ऐसे ऐसे श्री परीक्षित महाराज आए थे, आपने उनको पानी नहीं दिया और उनको गले में मरा हुआ सरफर डाल कर चले गए। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, मैंने अभिशाप दे दिया, सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। बोले नालायक, तेरे को पता है परीक्षित महाराज कौन है? वो कृष्ण भक्त है, उनकी वजह से हम निश्चिंत होकर के जंगल में भजन कर रहे हैं। वो साधारण व्यक्ति नहीं, एक में तो घर में आए, पानी तो दिया ही नहीं, उल्टा अभिशाप दे दिया। फिर उन्होंने बोले एक काम करो, जाओ कम से कम उनको सूचित कर दो, उनको पास में केवल सात ही दिन है उनको पास में, और जो कुछ करना कर ले। जब उनको खबर पहुंचा सात दिन में मरने वाले, देखो अगर आपको कोई बोले सात दिन में मरोगे, अब क्या होगा बता? हम तो अभी मर जाएंगे, सुनते ही सात दिन में मरेंगे, हमारा प्राण तो आधा ही चली जाएगी, सात दिन में मर जाएंगे। लेकिन वो कृष्ण भक्त है ना, वो दुखी नहीं हुए, तो बहुत खुश हो गए। देखो ठाकुर जी की मेरे ऊपर में कितने कृपा है, देखना एक मिनट मरने से पहले किसको पता नहीं चलता मैं मरने वाला। अब देखना बैठ बैठ के हार्ट अटैक हो जाता है, वहीं बैठ बैठ के राम नाम सत्य हो जाती है, कहीं जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी की देखो तो मेरे ऊपर में कितने कृपा है, सात सात दिन पहले ठाकुर जी हमें सूचित कर दिए, तेरे पास में सात दिन है, जो कुछ करना कर लो। बड़े प्रसन्न हो गए, ठाकुर की बड़ी दया है। बोले सात दिन तक हम ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते हम समय बिताएंगे। इसलिए हमारे जो गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाते थे इसी विषय पर। बोले केवल परीक्षित महाराज को पास में सात दिन नहीं था, हम सभी को पास में भी सात ही दिन है, ज्यादा दिन नहीं है। बल्कि उनको तो पता था सात दिन पहले मरेंगे नहीं, लेकिन हमने जो श्वास को छोड़ा, कोई बोल सकता है दूसरा श्वास छोड़ पाएंगे? कोई बोल सकते हो? नहीं। इसलिए कहते हमारे ऊपर में तो ठाकुर की विशेष कृपा, हमारे ऊपर में विशेष कृपा। गुरुदेव कहते थे एक समय कोई एक साधु किसी राज दरबार में आए, राजा से मिलना चाहते थे। राजा ने सोचा किसी लिए साधु आते हैं, कुछ भिक्षा लेने आए होंगे। एक नौकर को बोल जा दो 101 रुपया बाबा को दे देना। लेकिन बाबा ने बोले परीक्षित महाराज ये संतों को बोले ये 101 रुपया भेज दिया भेंट रूप में। बोले इनको बोलो उनका कोई विशेष काम लेकर के आए हैं, केवल एक मिनट आपको साथ में बात करना चाहते हैं। राजा ने सोचा बाबा का मन भरा नहीं होगा, उन्होंने 501 रुपया उन्होंने भेज दिया, उन्होंने तब भी नहीं लिए। बोले बोलो कोई विशेष काम है, उन्होंने 1101 रुपया भेज दिया, तभी बाबा लिए ही नहीं। बोले मेरे तो केवल एक मिनट विशेष काम है। राजा ने कहा संत को बोल दो, मेरे पास में कोई समय नहीं संत से मिलने के लिए, मैं बहुत राजकार्य में बिजी हूं। अभी संत गए रानी को पास में, वहां पर कोई दासी थी, बोले महारानी है? बोले है, उनको बताओ कोई संत केवल एक मिनट बात करना चाहते, कोई जरूरी काम है। जब रानी ने ये बात सुनी ना, बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले घर में संत आए हैं, बड़े भाग्य से संतों का दर्शन मिलता है। बोले अंदर में बुला करके ले आ। बोले बाबा आपको क्या सेवा करें? बोले महारानी मैं तो किसी विशेष काम को लेकर के आया था राजा से मिलने के लिए, लेकिन राजा मिले ही नहीं। बोले मुझे ही बता दो, मैं ही सेवा कर लूंगी। बोले महारानी अब कान खोल कर सुनो, आप भी कान खोल कर सुन लीजिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले ये जो राजा है ना, ये सात दिन में ये राजा मरने वाला है। बोले सात दिन में मरने वाला? बोले हाँ।
बोले ये सही बता रहे हो, बोले मैं भजन करते करते अपना दिव्य दृष्टि से देखा है, मैं इतनी सी बात राजा को बताना चाहता था लेकिन राजा हमसे मिले ही नहीं। बोले बाबा ये का सच, बोले ध्रुव सत्य है, आप राजा को इतनी सी बात बता दो। राजा जब सुना, इतने में रानी ने एक दासी को बोले, बोले जाओ जल्दी जल्दी राजा को बोलो रानी बुला रही है, कोई विशेष काम है। देखो अभी संत आए थे, गिड़गिड़ाते हुए चले गए, लेकिन राजा के पास में एक मिनट नहीं था मिलने के लिए। लेकिन जब सुना कोई रानी बुला रही ना, कोई विशेष काम, राजा तो सारे काम धाम को छोड़ कर भगे वहां से। बोले ऐसे क्या बात अभी अभी तुमने बुलाया? बोले महाराज आपके पास में कोई साधु गए थे मिलने के लिए। बोले हाँ। बोले आप साधु से मिले हो? बोले मैं तो राजकार्य में बिजी था। बोले महाराज जब भगवान की कोई विशेष कृपा हो जीव का प्रति, इसलिए जब श्री हनुमत लाल जी श्री विभीषण से मिले, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम की एक निष्ठ भक्त है, विभीषण क्या कहता है, आज मोय भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा बिना मिले ही नहीं संता, जो रघुवीर मय अनुग्रह किनी तो मई दरस अठे देनी। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, तभी आज साधु का दर्शन मिला। अगर जीवन में साधु दर्शन मिल गया, कहते समझो संसार के बड़ा हमारी पार है। ये कौन कह रहे हैं? बोले श्री विभीषण जी ये बात श्री हनुमान जी से कह रहे हैं। रानी ने कहा बड़ी भाग्य से कहीं संतों का दर्शन होता है, और कोई संत आए मिलने के लिए एक मिनट भी फुर्सत नहीं था, और हमने बुलाया तो भागते भागते आ गए। बोले बात बताओ तो क्या? बोले बात तो बड़ा गंभीर बात है, वो संत ने ये बताए, वो अपना दिव्य दृष्टि से देखा है आप 7 दिनों में मरने वाले हो। बोले ये बात क्या सच है? बोले मैंने ये भी पूछ लिया। बोले ध्रुव सत्य है। राजा तो घबराए, बोले बाबा देखने में कैसे थे? बोले भगवान की माला जप कर रहे थे, तिलक लगाए थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया। देखो तो वो गए कहां, थोड़ी दूर गए तो मिले। बोले उनको पालकी में बैठा कर आदर पूर्वक ले आओ। जब उनको ले आए, बोले बाबा मेरी अपराध हो गई, आप तक कोई जरूरी काम लेकर के आए थे, आपसे मैंने बात नहीं सुनी, आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाला हूं। बोले हाँ। बोले ये क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य है। राजा तो घबराए, बोले घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपने बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कोई चिंता मत करो। लेकिन महाराज वहां तो सारे सुविधा मिलेगी, लेकिन एक चीज की कमी मिलेगी। बोले किस चीज की? बोले स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं, जब आप रात को सोओगे ना वो मच्छर काटते रहेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। बोले फिर, बोले चिंता मत करो, वहां मच्छर दान का व्यवस्था भी है, लेकिन वहां भी एक चीज की कमी। बोले किस चीज की? बोले मच्छर के कोड़े में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर, बोले जब मरोगे ना, साथ में एक सुई और एक धागा ले जाना, और उसको सिलाई कर दोगे, बात चैन की नींद आएगी। बोले बाबा कैसे एक सुई धागा ले जाएंगे, जब मरेंगे सब तो यही छोड़ कर दी जाएंगे, और यही पर तो जला दिया जाएगा। आप बता रहे हो सुई धागा ले जाने के लिए? बोले तेरे को बताए एक सुई धागा भी नहीं जाएगा? बोले दुनिया को बताए। बोले महाराज आपको मैं इतनी सी बात बताना चाह रहा था, आप जिस राज कार्य में इतने बिजी हो, एक संत भी आए एक मिनट बात करने का फुर्सत नहीं, जब यहां से जाओगे एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं, सब यही छोड़ करके जाना पड़ेगा। संत ने कहा जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले इसका मतलब क्या? बोले मतलब है जीवन में जितने राम का नाम कृष्ण का नाम लिए हो वही केवल सच्चा और जगत में